जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूर्य ताप। बात करते हैं सूर्य ताप, जिसे इंग्लिश में इंसोलेशन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया टॉपिक, सूर्य ताप। सूर्य ताप, सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ताप किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर एनर्जी का जो एकमात्र साधन है, या कहूँ एकमात्र प्राकृतिक साधन, वो क्या है? सूर्य है। सूर्य से आने वाली प्रकाश जो ऊर्जा के रूप में होती है, इसे क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होगी, वह क्या कहलाता है? सूर्य ताप कहलाता है। बहुत साधारण सा है, सूर्य से आने वाली किरणें जो उष्मा के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है? सूर्य ताप कहलाता है। इस सूर्य ताप को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे सूर्य ताप, सूर्याभिताप, सौर ऊर्जा, सौर शक्ति और सौर विकिरण। सूर्य ताप को इंग्लिश में इंसोलेशन कहते हैं, जो कि तीन शब्दों के मेल से बना है, इन, सोल और एसन, जिसमें इन का अर्थ होता है इनकमिंग, सोल का मतलब होता है सोलर, और एसन का अर्थ होता है रेडिएशन। अगर शाब्दिक अर्थों के रूप में देखा जाए तो इसका अभिप्राय होगा पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को ही क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा जो प्रकाश की गति से पृथ्वी पर पहुंचती है, सूर्य ताप कहलाती है। ये कह रहा है कि सूर्य से लघु तरंगों के रूप में जो ऊर्जा विसरित होती है या विसर्जित होती है, और जो प्रकाश की गति से पृथ्वी पर पहुंचती है, उसे सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य की सतह से निरंतर ऊष्मा प्रवाहित होते रहती है, जो कि अलग अलग तरंग दैर्ध्यों में, अलग अलग वेवलेंथ पे प्रवाहित होते रहती है। इन तरंग दैर्ध्यों के लंबाई के अकॉर्डिंग इसे हम अलग अलग श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। पृथ्वी को जो प्राप्त होती है वह लघु तरंग के जो तरंग प्राप्त होती है वह लघु तरंग के रूप विकिरण प्राप्त होती है, जिससे हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो हमारा जो सोलर रेडिएशन होगा या सूर्य ताप होगा, उसे हम तीन वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहले दीर्घ तरंग के रूप में, दूसरा मध्यम तरंग, और तीसरा होता है लघु तरंग। लघु तरंग से सामान्य तौर पे अधिक ऊष्मा प्राप्ति होती है, और पृथ्वी को जो सौर विकिरण प्राप्त होती है वो मुख्य रूप से लघु तरंग के रूप में ही प्राप्त होती है। इस वेवलेंथ को मापने के लिए माइक्रोमीटर का निर्माण किया गया है, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। और यदि इन लघु तरंगों की लंबाई की बात करें माइक्रोमीटर के अकॉर्डिंग, तो होता है 0.44 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10,000 सेंटीमीटर होता है। तो जो माइक्रोमीटर है वो मुख्य रूप से क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो भी किरणें हैं उसके वेवलेंथ को मापती है, और पृथ्वी को जो प्राप्त होती है सौर विकिरण, वो है लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, जिसका अगर माइक्रोमीटर में अगर लंबाई ज्ञात किया जाए तो लघु तरंग का होता है 0.44 माइक्रोन होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आप सभी को पता है कि जो सूर्य से आने वाली जो भी विकिरण होती है, धरातल के विभिन्न भागों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग किसी क्षेत्र में अधिक तो किसी क्षेत्र में कम पाई जाती है। तो ये जो भिन्नता है, ये भिन्नता का कारण क्या है? या साधारण भाषाओं में कहूं तो धरातल पर सूर्य ताप के जो वितरण है, किसी क्षेत्र में कम है, कहीं ज्यादा है, इन सबको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो चलिए बात करते हैं धरातल पर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले अक्षांशीय स्थिति के बारे में, वायुमंडल की मोटाई, दिन की लंबाई, जल थल का वितरण, सौर कलंकों की संख्या, समुद्र से ऊंचाई, धरातल का रंग, धरातल की प्रकृति और वायुमंडल की पारदर्शिता।
ये सभी कारण है जिसके वजह से सूर्य ताप धरातल पर या पृथ्वी पर अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, परंतु यदि हम जैसे ही भूमध्य रेखा अर्थात शून्य अंश अक्षांश पर अधिक चमकती है, जैसे ही हमारा अक्षांशीय स्थिति में परिवर्तन होते जाता है या बढ़ते जाता है, तो जो सूर्य ताप की जो किरणों का जो कोण है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। और बढ़ने के कारण सीधा नहीं पड़ता, जितना अधिक सूर्य का कोण बढ़ेगा उतना ही कम ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। उत्तर एवं दक्षिण की ओर जो हमारा इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, उसके उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर क्या होता है, कोण बढ़ते जाता है। मौसम के अनुसार आप सभी को पता है कि 6 महीना सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, और 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। जब 6 महीना उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमक रहा होता है, तो क्या होता है कि उत्तरी भाग को अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है कंपेयर टू दक्षिणी भाग। ठीक वैसे ही जब 6 महीना दक्षिणी भाग में दक्षिणायन होती है सूर्य, तो दक्षिणी भाग में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कंपेयर टू उत्तरी क्षेत्र के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितना कम कोण या फिर जितना अधिक कोण बनाएगा सूर्य की किरणें, उतनी ही कम ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं वायुमंडल की मोटाई के बारे में। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के जो चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। आप सभी को साथ ही साथ ये भी पता है कि हम 23.5 अंश में हमारी पृथ्वी क्या हुई है, झुकी हुई है। सूर्य ताप वायुमंडल की मोटाई को पार करके धरातल पर पहुंचता है। विषुवत रेखा के समीप न्यूनतम मोटाई को पार करना पड़ता है जिससे अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। मध्यवर्ती अक्षांशों जैसे 40 डिग्री के आसपास दोगुनी वायुमंडल को पार करना पड़ता है, वही 65 या फिर 60 डिग्री के आसपास लगभग 4 गुना मोटाई को पार करना पड़ता है। सीधा सा तात्पर्य यह कहने का कि वायु सूर्य ताप जब पृथ्वी की ओर अग्रसर होती है तो वायुमंडल को पार करना पड़ता है, लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें वायुमंडल की मोटाई कम होती है। कम होने के वजह से क्या होता है, सूर्य ताप का ह्रास वायुमंडल में नहीं होता या किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन और प्रकीर्णन जैसी प्रक्रियाएं ना होने के वजह से कम मोटाई को पार करना पड़ता है, जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को। वही यदि बात किया जाए कि अगर हम आगे बात करें 40 अंश के आसपास के क्षेत्रों में यदि बात किया जाए, तो यहाँ पे लगभग 2 गुनी 40 के आसपास के क्षेत्रों में 2 गुनी वायुमंडल को पार करना पड़ता है सूर्य ताप को, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, कंपे भूमध्य रेखा की तुलना में इस क्षेत्र को क्या होती है, कम ऊर्जा प्राप्त होती है या कम ऊष्मा प्राप्त होती है। और वही यदि बात किया जाए, अगर हम बात करें 60 अंश के आसपास को या फिर 65 अंश के आसपास के क्षेत्रों में, तो इस क्षेत्र में 4 गुनी वायुमंडल को पार करना पड़ता है भूमध्य रेखा की तुलना में, जिसके वजह से रिफ्लेक्शन जैसी प्रक्रियाएं अधिक घटित होती है और सबसे कम ऊर्जा 60 अंश के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त होती है। सीधा सा कहने का मतलब है कि वायुमंडल में जितना कम मोटाई को सूर्य ताप प्राप्त पार करेगा, उतना अधिक ऊर्जा पृथ्वी के उस भाग को प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन की लंबाई के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23.5 अंश में पृथ्वी झुकी है, और ये झुकी होने के कारण क्या है, दिन और रात की लंबाई में वर्ष भर समान नहीं पाई जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए सिर्फ 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी में दिन और रात का क्या अवधि जो होता है समान पाया जाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि 6 महीना सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीना क्या होता है, दक्षिणायन होता है। 21 जून के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ती जाती है, क्योंकि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो
21 जून के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ती जाती है, और जिस क्षेत्र में दिन की लंबाई अधिक होगा सूर्य ताप की या फिर ऊष्मा की प्राप्ति अधिक होगी। ठीक वैसे ही 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 22 दिसंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है। जब दिन की लंबाई जिन क्षेत्रों की अधिक होगी उन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। याद रखेंगे, दिन की लंबाई जितनी अधिक होगी सूर्य ताप की मात्रा भी अधिक प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं जल थल का वितरण के बारे में। आप सभी को पता है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि आप सभी को पता है जल थल के वितरण के बारे में। पृथ्वी में 71% क्या है, जल मंडल है, और 29% स्थल मंडल है। जलमंडलीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों की विशेषता यह है कि यहाँ सूर्य जो जल भाग होता है, जल की विशेष विशेषता पाई जाती है कि किरणें जब जलीय भाग में पड़ती है तो सबसे पहले चीज क्या होता है, एक तो बहुत देर से गर्म होती है, देर से गर्म होती है और देर से ठंड होती है। वही यदि ठंडी भी देर से होती है, लेकिन अगर मैं भूमंडलीय भाग यानी कि धरातलीय भाग की करूं या फिर भूमि की बात करूं, तो भूमि में क्या होता है, जितनी जल्दी जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंड भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि देख इस प्रकार से जलीय भाग धीमी गति से गर्म होता है और धीमी गति से ठंडा होता है, वही धरातलीय भाग जल्द गर्म होता है और जल्द ठंडा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे बात करते हैं सौर कलंकों की संख्या के बारे में। सौर कलंकों की संख्या प्रति 11 वर्षों में एक बार सूर्य में सौर कलंकों की संख्या में तेजी से बढ़ने जाती है। सौर कलंक किसे कहते हैं, जो सूर्य में जो ब्लैक स्पॉट पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सौर कलंक पाया जाता है। इसका एक सर्कल होता है जो प्रति 11 वर्ष में एक बार सूर्य में सौर कलंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। और जब सौर कलंकों की संख्या में अधिक तेजी से वृद्धि होती है तो उस दौरान सूर्य क्या करती है, अधिक ऊष्मा विसर्जित करती है। अन्य समय में सामान्य ताप पृथ्वी को प्राप्त होती है, लेकिन प्रति 11 वर्षों में जब सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है तो इस दौरान अधिक ऊष्मा की प्राप्ति पृथ्वी को होती है। बात करते हैं अगला है हमारा धरातल के रंग के बारे में। तो आप सभी को पता होगा गर्मी के समय में आप लोगों से सफेद वस्त्र पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सफेद कलर जो होता है वो क्या करता है, जो गर्मी होता है या फिर सूर्य की रोशनी जो होता है उसे क्या करता है, वो अपने अंदर अवशोषित नहीं करता है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिससे गर्मी कम लगती है। और वही यदि जो गहरे रंग के होते हैं खासकर ब्लैक कलर, वो क्या करता है, वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं अपने अंदर, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, अवशोषित करता है, जिसकी वजह से अधिक गर्म लगता है। ठीक वैसे ही प्रवृत्ति धरातल के जो विभिन्न क्षेत्रों के रंगों के साथ होता है, जैसे शुष्क विषम रेतीले और गहरे रंग वाले भागों में सूर्य ताप तेजी से ग्रहण करते हैं, तो इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में प्राप्त होती है सूर्य ताप। वही बर्फीले क्षेत्र हल्के रंग एवं जलीय भागों में सूर्य ताप का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इस वजह से इन क्षेत्रों में क्या होती है, सूर्य ताप की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। आगे बात करते हैं धरातल की प्रकृति के बारे में। साधारण धरातल जैसे पथरीली एवं बर्फीली सतह शीघ्र गर्म हो जाती है। पथरीले एवं बर्फीली सतह चिकनी होने के कारण ताप का अधिक परिवर्तन करता है। याद रखेंगे, जो सतह जितनी अधिक चिकनी होगी, जितने चिकनी होगी वो क्या करेंगे, सूर्य ताप इनसे टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाएगी। तो इन क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में सूर्य ताप ग्रहण करने की क्षमता होगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में खुरदुरी है, ठीक है ना, या फिर भुरभुरी मृदा वाले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, सूर्य ताप इन क्षेत्रों में अवशोषित करता है, परावर्तन कम होता है। इस वजह से इन क्षेत्रों में जो रफ पाया जाता है, जिनका नेचर रफ पाया जाता है धरातल का, उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा प्राप्त होती है सूर्य ताप की। आगे बात करते हैं वायुमंडल की पारदर्शिता के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं, आप सभी को जैसे पता है कि जब सूर्य ताप
सूर्य से निकलती है, पृथ्वी की ओर आगमन करती है, तो जो वायुमंडलीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का, उसे पार करना पड़ता है। और आप सभी को पता है कि वायुमंडल में धूल कण, जल कण और बादल पाए जाते हैं। यदि वायुमंडल में धूल कण, जल कण और बादल कम है, या फिर सीधी तौर पर कहें कि हमारा मौसम साफ है, तो इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य ताप बिना किसी डिस्टर्ब के सीधा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है। लेकिन यदि सूर्य ताप पृथ्वी की ओर जब आने वाली होती है, तो वायुमंडल में धूल कण, जल कण और बादल से जब उसका सामना होगा, तो क्या होगा, परावर्तन, प्रकीर्णन और अवशोषण जैसी प्रक्रियाएं होगी। धूल कणों से टकराकर परावर्तन हो जाएगा, प्रकीर्णन या फिर अवशोषण जैसी प्रक्रिया होगी। तो बहुत सारी एनर्जी का लॉस वायुमंडल में ही हो जाता है, वो पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। तो कहने का मत सीधा तात्पर्य है कि अगर वायुमंडल साफ होता है तो सूर्य ताप की मात्रा अधिक हो जाएगी, और वही यदि वायुमंडल साफ नहीं होता है, पारदर्शिता नहीं होता है, धूल कण और जल कण जैसे तत्व यदि विद्यमान है, तो इस स्थिति पे क्या होगी, वायुमंडल इस स्थिति में सूर्य ताप पृथ्वी तक कम मात्रा में पहुंच पाएगी। आगे बात करते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में। पृथ्वी से सूर्य की दूरी सदैव एक समान नहीं होती है। दो कंडीशन होता है, एक जो 3 जनवरी को जिसे उपसौर कहा जाता है और 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं। स्वाभाविक बात है, यदि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी कम है तो अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होगी, और यदि दूरी अधिक है तो क्या होगा, कम ऊष्मा की प्राप्ति होगी। तो 3 जनवरी को उपसौर पड़ता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है, 14.73 करोड़ किलोमीटर। उपसौर में सूर्य निकट होने के कारण अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होगी, जबकि अपसौर की स्थिति जब 4 जुलाई को पड़ेगी तो क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है, सर्वाधिक हो जाती है, वो है 15.2 करोड़ किलोमीटर। अपसौर की स्थिति में अधिक दूरी या सर्वाधिक दूरी होने के कारण सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। बने रहिए लेक्चर के साथ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।